लगातार बारिश के वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज किया गया था, लेकिन जैसे जैसे मानसून कमजोर हो रहा है वैसे वैसे नदियों के जलस्तर पर भी असर पड़ रहा है। जनपद में बहने वाली नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में बहने वाली सरयू नदी, रोहिणी नदी के जलस्तर में गिरावट जारी है। वहीं राप्ती नदी में भी मामूली गिरावट दर्ज किया गया है। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो आज सुबह हम लोगों को रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है, सुबह 8 बजे की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार अभी सारी नदियां जो हैं वो धीरे धीरे घटाव पर हैं। अयोध्या पर भी जो सरयू नदी है वो घटाव पर दर्ज की गई है, तुर्ती पार में भी घटाव पर दर्ज की गई है, राप्ती नदी में भी बहुत स्लाइट सा घटाव है, वो भी डाउनफॉल हो रही है, रोहिणी नदी भी डाउनफॉल हो रही है। धीरे धीरे नदियां जो हैं वो डाउनफॉल हो रही हैं और अभी उम्मीद है कि जैसा कि जो रिपोर्ट आई है, अभी कुछ जगहों पर हो सकता है एक आधा दिन में फिर कुछ बढ़े फिर डाउन हो, तो इस तरीके का भी ये थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो हम लोग को सूचना मिली थी कि अगले 3 दिनों तक वर्षा की संभावना है, तो अभी वो स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज सुबह बहुत तेज धूप थी, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा सा बादल छा रहे हैं, तो अभी जो उनके द्वारा जो प्राप्त रिपोर्ट है उसके अनुसार तो अभी वर्षा अभी हम लोग को 2-3 दिनों तक कहीं पर देखने को मिलेगी। बारिश का भी असर नदी पे हो रहा है? निश्चित तौर पे होता है, लेकिन ये रहता है कि जो नदियों पे जो ज़्यादा असर पड़ता है जब पहाड़ों से बारिश ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि जो भी गोरखपुर में ऑलमोस्ट 13 नदियों का पानी गोरखपुर से होकर गुजरता है, तो जब पहाड़ों पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो पुल के रास्ते से और नेपाल के रास्ते भी पानी आता है, तो उससे नदियों का जलस्तर में वृद्धि होती है, तो बारिश के तो असर नदियों पर पड़ता ही है।